हेलो एवरी वन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज़ करेंट अफेयर्स एंड डेवलपमेंट इशूज़ का लेक्चर देखेंगे एंड इसके अंदर ट्वेंटी एम सी क्यूज़ हमें डिस्कस uh, करने हैं विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ओके एंड बिफोर गोइंग इन टू द एम सी क्यूज़ पी डी एफ फाइल्स आप जानते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में यू पी एस सी ई पी एफ ओ कोड यूज़ करोगे तो फिफ्टी परसेंट ऑफ़ आपको उसमें मिल जाएगा फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपुन माइंस निपुन माइंस से रिलेटेड स्टेटमेंट कंसीडर करना है नंबर वन इट इज इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अच्छा जी दूसरा कहता है कि uh, काफी लार्ज होती हैं साइज में और आप इनको लार्ज uh, नंबर्स में डिप्लॉय uh, कर सकते हैं निपुन माइंस को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है नॉट करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट माने की गलत है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि डी ने इनको डेवलप किया है इंडिजीनियस है तो इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड हैं और ये एंटी पर्सनल मिजाइन्स माइंडस होती हैं बेसिकली ठीक है तो बेसिकली एंटी पर्सनल माइंड क्या होती है कि इंसान के वजन पड़ते ही ये माइंड जो है वो ब्लास्ट हो जाती है एंड सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन इसको टर्म दिया है डी आर ने एंड दीज आर एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेसिकली जहाँ से infiltration होती है ना इंडिया के अंदर जिन रीजन में वहाँ पर इन माइन्स को प्लांट किया जाएगा ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके काफी स्मॉल होती है साइज के अंदर तभी इनको लार्ज नंबर में हम प्लांट कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा साइज में बड़ी होंगी तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी ईजी टू डिप्लॉय दैम इन लार्ज नंबर ओके सेकेंड क्वेश्चन मॉडल टेनेंसी एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से रिलेटेड है

साइन uh, करना ही पड़ेगा मॉडल टेनेंसी एक्ट के अंदर तो पहला तो इसका हो ही नहीं सकता ठीक है और इसके अंदर जो आपका ट्वेंटी फोर आवर्स प्रायर नोटिस वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और एडवांस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कैन बी ऑफ मैक्सिमम टू मंथ ये भी बिल्कुल सही है आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा ठीक है बी विल बी द राइट आंसर तो रिटर्न एग्रीमेंट जो है मैंडेटरी है प्रॉपर्टी ओनर एंड टेनेंट के बीच में हैंड स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट ओके okay, और साथ ही साथ ये एक्ट क्या बोलता है कि हर स्टेट को और यूटी को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करनी होगी जिसका काम क्या होगा कि ये जो टेनेंसी के एग्रीमेंट्स हैं किराएदार और मालिक के बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन करना और साथ ही साथ स्टेट्स को और यूटीज को एक सेपरेट कोर्ट भी बनाना होगा ताकि जो टेनेंसी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हों वो ये कोर्ट ट्रैक कर सके ठीक है हैंडल कर सके उसके अलावा टेनेंट की जो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है रेजिडेंशियल पर्पज uh, के लिए आप मैक्सिमम दो महीने का एडवांस डिपॉजिट ले सकते हो और नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कॉमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं उनके लिए छह महीने का आप एडवांस रेंट ले सकते हो मैक्सिमम तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया ओके लैंड लॉर्ड की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कोई भी स्ट्रक्चरल रिपेयर अगर होना है तो वो लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओके okay? एक्सेप्ट uh, अगर कोई डैमेज टेनेंट ने किया है टेनेंट ने कोई फॉर एग्जांपल दीवार तोड़ दी तो वो तो उसका ही खर्चा है उसके अलावा अगर कोई स्ट्रक्चरल एक्सपेंस uh, आता है तो वो लैंड का ही होगा ठीक है uh, जैसे वाइट वॉशिंग पेंटिंग वो सब uh, जो है लैंड का ही होगा टेनेंट किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रेन्स की क्लीनिंग स्विचेज और सॉकेट अगर कोई खराब हो गया उसका रिपेयर किचन में कुछ अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई कोई ग्लास पैनल टूट गया विंडो का ठीक है गार्डन ओपन स्पेसेस की मेंटेनेंस, अगर लैंड ओनर एंटर करना चाहता है रेंटेड प्रेमाइसिस के अंदर तो उसको ट्वेंटी आवर का प्रायर नोटिस देना होगा ओके okay. एंड uh, अगर लैंड uh, जो है वो फुलफिल करता है ऑल द कंडीशंस रेंट एग्रीमेंट के अंदर जैसे नोटिस वगैरह देना uh, uh, घर खाली करने का जो स्टिपुलेटेड uh, नोटिस है वो उन्होंने दिया लेकिन टेनेंट जो है वो uh, घर नहीं खाली करते हैं इवन आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड और टेनेंसी के टर्मिनेशन के बाद तो लैंड जो है वो डबल रेंट ले सकता है

तो ये तीनों करेक्टली मैच्ड हैं अपनी स्टेट्स के साथ लाहौली यूनाइटेड सॉक्स एंड ग्लव्स हिमाचल प्रदेश के हैं ती चिली जो है वो मणिपुर से है और महोबा देसावरी पान जो है ये यूपी और एम से जी टैग मिला है ओके बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट आ जाता है जी रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ईपीएफओ में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहला स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया ने एक्टिवली पार्ट लिया था इन ड्राफ्टिंग ऑफ यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके दूसरा है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कैन क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर कंट्रीज कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ये कंट्रीज़ के ऊपर एक लीगल ऑब्लीगेशन क्रिएट करता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन तो कोई भी डिक्लेरेशन जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ये किसी भी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता और इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था यूडीएचआर की ड्राफ्टिंग में पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इसीलिए आंसर होगा ए सो so, अगर हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की देखें तो इसके अंदर अराउंड थर्टी राइट्स और फ्रीडम्स की बात है जिसके अंदर सिविल पॉलिटिकल राइट्स लाइफ लिबर्टी फ्री स्पीच प्राइवेसी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स सोशल सिक्योरिटी हेल्थ एजुकेशन वगैरह की बात आपको देखने को मिलती है जिसमें इंडिया ने भी एक्टिवली पार्ट लिया था यू देखो कोई ट्रीटी नहीं है और क्योंकि ये कोई ट्रीटी नहीं है इसीलिए ये किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर नहीं क्रिएट करती अब देखो तीन चीजें हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ठीक है जिसके अंदर इसके दो प्रोटोकॉल्स भी आ जाते हैं ठीक है इस इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और थर्ड है इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन योर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये तीनों मिलकर के वन प्लस टू प्लस थ्री इन तीनों को क्या बोला जाता है इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स तीनों को मिलाकर के तो अगर वो क्वेश्चन पूछ दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इनटू द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स तो जो आपका यूडीएचआर है जिसके अंदर आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो गया uh, फिर आपका इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसके अंदर इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स भी आ जाते हैं जो कंप्लेंट प्रोसीजर और डेथ पेनल्टी के ऊपर है और इंटरनेशनल कॉविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये तीनों मिलाकर आपका इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रख फिफ्थ क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ऊपर ये आपको स्टेटमेंट गिवेन है पहला इट इंक्वायर्स इनटू कंप्लेंट्स बट कैन नॉट टेक मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू डेप्रीवेशन एंड वॉयलेन ऑफ चाइल्ड राइट ठीक है इट कैन ट आएगा तो उसकी इंक्वायरी कर सकती है बट कैन टोटो यानी खुद से कोई मैटर को उठा नहीं सकती है कम्प्लेन्ट के ऊपर कमीशन शॉल इंक्वायर इन टू मैटर्स विच आर पेंडिंग बिफोर अ स्टेट कमीशन अगर स्टेट कमीशन के पास कोई मैटर्स पेंडिंग है तो उसके अंदर भी ये इंक्वायरी कर सकते हैं आपको बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अगेन करेक्ट है तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट्स आपके जो है गलत हैं नीधर वन नर टू विल बी द राइट आंसर तो सोशल uh, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अगर हम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की uh, बात करें तो सो मोटो नोटिस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू ले सकते हैं ये बेसिकली uh, अगर कोई चाइल्ड uh, राइट्स डेप्रीवेशन है या कोई लॉ जो है उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही जो लॉ प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है कोई पॉलिसी डिसीजन गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी उससे नहीं हो रहा है। तो उस केस में ये मोटो एक्शन भी ले सकते हैं और जो स्टेट कमीशन के पास अगर ऑलरेडी कोई मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर ये नेशनल कमीशन फिर अपनी टांग नहीं अड़ाएगा ठीक है जी ओके तो स्टेट कमीशन ही उसको देखेगा तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका वो गलत हो जाता है

इस इस यूएन यूएन कन्वेंशन कन्वेंशन के के अंदर को फुलफिल करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट करेक्ट है केस में में आपके ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं बोथ एंड बी द राइट आंसर तो ऑन राइट्स ऑफ की बात करें 2006 में इसको किया गया था और इसके सेंसरी इंपेयरमेंट ओके जो एक बैरियर फॉर्म कर रहा है इंटरेक्शन के अंदर इंडिया ने 2007 में इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था एंड फिर फाइनली पार्लियामेंट ने आपका राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लेकर के आए थे अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्योरिटी एक्सरसाइज साइबर सिक्योरिटी पहला इट इज इट इज कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस दूसरा फ्रॉम इंडिया पार्ट इन एक्सरसाइजिव इज टू असर एंड इम्प्रूव स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट रैनसम एंड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स अच्छा जी अब देखो रैनसम वेयर एक तरह का वायरस था जिसके अंदर वो कंप्यूटर को लॉक कर देते थे और फिर वो रैनसम मांगते थे बिटकॉइंस के अंदर कि भैया अगर तुम्हें अपना कंप्यूटर अनलॉक करवाना तो हमें

को यहाँ पर डील किया जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर स्पेशली रेंसम इंसिडेंट्स को क्वेश्चन प्राइमरी पर्पज ऑफ इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का इनमें से क्या प्राइमरी है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए इंडिया में एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी को प्रमोट करना इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे इंडिया में रेन्यबल एनर्जी सेक्टर को रेगुलेट करना इंडिया में तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा आपका ऑप्शन ए जो आई है इसका प्राइमरी पर्पस में फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आ जाती है वो आ जाता है रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ये इट इज नॉट यू नो अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म सिर्फ इसका नहीं है ठीक है ये एक मिनी रत्ना कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है 1987 में सेट किया गया था इसको और एज अ स्पेश नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी इसको जो है सेटअप किया गया था और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग ही इसका की रोल है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लगा करके आते हैं कि हाँ भी सरकारी एजेंसी लग रही है तो रेगुलेशन होगा नहीं ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका मेन काम है इसको रजिस्टर भी एज ही किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसस के ऊपर क्वेश्चन है पहला कहता है कि जो सब्जेक्ट है सेंसस का ये लिस्ट में आता है यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों इसके ऊपर कानून बना सकते हैं कास्ट सेंसस इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस वॉज फर्स्ट हेल्ड इन टू तो देखो इसके अंदर तो इतना आसान क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा भी बच्चे ने पढ़ा है पॉलिटी वगैरह को तो उसको पता है कि यार जो सेंसस है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है तो इतना पता होने पर मेरे तीन ऑप्शन तो उड़ गए तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा टू एंड थ्री ओके

कास्ट सेंसस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस के कंट्रोल में आता है इसीलिए आपका statement तो भी करेक्ट है। Tenth question, question है पॉक्सो के ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऊपर एक बड़ी अच्छी मूवी आई है आजकल कल जी फाइव के ऊपर चल रही है पेपर के बाद देखना मूवी काफी अच्छी है मनोज बाजपेई की मूवी है ठीक है काफी अच्छी मूवी है जरूर देखना ठीक है सो द पॉक्सो एक्ट 2012 थाउजेंड ट्वेल्व डिफाइन अ चाइल्ड एज एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ सिक्सटीन ईयर्स कि भाई सोलह साल से नीचे का जो है वो बच्चा है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द स्टेबलिशमेंट ऑफ स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स स्टेट कमीशन बनाया जाए चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के लिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अट्ठारह साल होता है सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ठीक है तो पॉक्सो के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है वो अट्ठारह साल है जो पहले सोलह साल होती थी नाइनटीन फोर्टी से पर दो हजार बारह में इसको अट्ठारह साल कर दिया गया था तो बेसिकली आप एज अ चाइल्ड एक 18 साल से अगर कोई कम है तो आप उसको चाइल्ड डिफाइन कर रहे हो मैंडेटरी रिपोर्टिंग होनी चाहिए सेक्सुअल ऑफेंसेस की अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड अगर कोई फेल हो जाता है टू रिपोर्ट सच ऑफेंसेस फॉर एग्जांपल किसी पेरेंट को पता चल गया कि उसके बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है और कल को कोर्ट में पता चल जाता है कि इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया उस चीज को जान करके तो उनके अगेंस्ट भी पेनल, पेनलाइजेशन यहाँ पर जो है वो होगा और इसी एक्ट के अंदर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को भी फॉर्म किया गया था को ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है एक्ट की वो इंश्योर की जा सके इलेवेंथ क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर है पहला स्टेटमेंट uh, है बेनिफिशरीज इंक्लूड प्रायोरिटी हाउस होल्ड कवर्ड अंडर द टारगेटेड पी डी एस ओके दूसरा जिसकी गाइडलाइंस जो है स्टेट गवर्नमेंट देता है दूसरा

ठीक है और बेनिफिशरीज के अंदर प्रायोरिटी हाउस होल्डस भी आ जाते हैं जो टारगेटेड पी डी एस में ये जो है ये स्टेटमेंट आपका सही है तो इसमें आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी क्योंकि अपने से नॉट करेक्ट पूछा गया ओके सो फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इसके अंदर पूरे का पूरा मैकेनिज्म है ताकि क्वान एडिक्यूट क्वान्टिटी विथ क्वालिटी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्रोवाइड की जा सके तो प्रायोरिटी हाउस जो टीडी के अंदर कवर्ड है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो भी इसके अंदर कवर्ड होते हैं तो इसीलिए स्टेटमेंट आपका करेक्ट था साथ ही साथ अंत्योदय अन्य योजना के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसके अंदर जो हाउस होल्ड है वो भी यहाँ पर कवर्ड रहेंगे प्रोविजंस में अगर आप देखो पांच किलो फूड ग्रेन पर पर्सन है नॉट पर हाउस होल्ड ठीक है जो रेट है वो यही है तीन रुपए किलो चावल दो रुपए किलो व्हीट और एक रुपए किलो कोर्स ग्रेन तो स्टेटमेंट टू इसीलिए गलत हो गया क्योंकि पर्सन की जगह हाउस होल्ड लिखा हुआ था जो एग्जिस्टिंग अन्न जो आपकी योजना है दिस वन अंत्योदय अन, अन्ना योजना ठीक है अंत्योदय अन्ना योजना के अंदर जो हाउस होल्ड हैं उनको तो पैंतीस के जी ऑफ फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलता रहेगा साथ ही साथ स्कीम के अंदर मेटर्निटी uh, बेनिफिट और मील के लिए uh, जो है सिक्स थाउजेंड रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी प्रे, uh, के छः महीने बाद तक हॉट मील्स फॉर चिल्ड्रन अप टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज चौदह साल की उम्र तक फूड सिक्योरिटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा अगर फेलियर आता है जो ये फूड ग्रेन्स या मील्स प्रोवाइड करने में जो इस एक्ट के अंदर प्रोविजन है अगर स्टेट किसी भी तरीके से फेल हो जाती है ये प्रोवाइड करने में तो उसके लिए उनको फिर अलाउंस प्रोवाइड करना पड़ेगा पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा साथ ही साथ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो भी स्टेब्लिश किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स के ऊपर ताकि ग्रीवियंसिस को हैंडल किया जा सके ट्वेल्थ क्वेश्चन कौन सी स्टेट में रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम रिजर्व्स को डिस्कवर किया पहली बार जनरली ये बिलीव किया जाता है कि इंडिया के अंदर लिथियम रिजर्व्स नहीं है बट ट्रेसिस मिले हैं सो ऑप्शन डी जे एंड के नेक्स्ट क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पल्स डे 2023 ये किस दिन ऑब्जर्व किया गया अक्रॉस द ग्लोब सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी दी 2023 तो वर्ल्ड डे को किया जाता है और इसको काफ़ी ज़्यादा किया जाता है पल्सिस को क्योंकि न्यूट्रिशनली भी काफी अच्छा है और सॉइल प्रोटेक्शन न्यूट्रिएंट रिचार्ज के लिए भी इसको काफी अच्छा माना जाता है थीम आपको इसका याद रखना है पल्सिस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर फोर्टींथ क्वेश्चन इंडिया के पास अभी जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी है इस साल अपने को पता है तो किस सिटी ने फर्स्ट जी ट्वेंटी एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है पहली ये जी ट्वेंटी की मीटिंग थी अंडर इंडिया बार ये जी ट्वेंटी का कोई एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वाला मीटिंग था ये कहां पर हुआ था सो दिस हैपन इन बेंगलुरु गाइस नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है तो इसके हिसाब से एशिया पूरी दुनिया की कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा हाफ हाफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अगर सौ यूनिट पूरी दुनिया यूज कर रही है तो उसमें से पचास यूनिट एशिया यूज करेगा बाय द ईयर ऑप्शन है 2025 2025 तक एशिया पूरी दुनिया की आधी बिजली को इस्तेमाल कर रहा होगा ठीक है और इसमें से जो सबसे ज्यादा एशिया में से भी जो मेजोरिटी यूजर होगा वो होगा चाइना ठीक है चाइना इवन यूरोपियन यूनियन और यूएस और इंडिया की कंबाइंड बिजली से ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा अफ्रीका जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और और फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एक बटा पांच पॉपुलेशन अफ्रीका में है पूरी दुनिया की लेकिन सिर्फ तीन परसेंट बिजली यूज करता है 2025 में उसके बाद जी लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन आर्मी कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर रही है तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है स्कूल वगैरह एंड ऑल तो उस ऑपरेशन का नाम है दोस्तों सद्भावना ओके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो कितना राइज हुआ है 2013 से 2022 के बीच में सो so, जो राइज देखने को मिला है दैट इज ऑप्शन डी 4.5 मिलीमीटर का तो uh, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे यहां पर जो रिजल्ट्स हैं वो प्रूव हो रहे हैं नेक्स्ट है जी इनमें से क्या फंक्शन नहीं है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एज पर योर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ऑप्शन ए कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल कमिटीज अपॉइंट करनी है फॉर एडवाइजिंग ऑन वेरियस मैटर्स रजिस्टर और लाइसेंस फूड बिजनेस ऑपरेटर्स उसके बाद एग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज जहां पर इंस्पेक्शन वगैरह किए जाते हैं टैक्स कलेक्ट करना फ्रॉम बिजनेस ऑपरेटर्स तो देखो देख के ही पता चल रहा है इजी सा क्वेश्चन है टैक्स कलेक्ट करना एफ का, का काम नहीं है वो सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट करते हैं ठीक है बाकी सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एफ करता है ओके okay, सो so, uh, ये सारे मैटर्स आपके आपके क्वेश्चन के अंदर लिस्टेड थे 19th क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्राइम मैक दैट इज क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर प्लेटफॉर्म पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इसके थ्रू इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट की जाएगी रिलेटेड टू वेरियस क्राइमस जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पूरे देश के अंदर ठीक है तो जैसे ही इस पोर्टल के ऊपर डाटा आएगा वो हर स्टेट के पास पहुंच जाएगा रियल टाइम बेसिस के अंदर इससे क्या होगा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन क्योंकि स्टेट में अलग अलग पुलिस है हर स्टेट की अपनी पुलिस है तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बी सेकेंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है यानी कि पर्पज बिल्कुल करेक्ट है मिनिस्ट्री गलत गिवन है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर और इस जो ये क्राइम मैक है इसको रन जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो करता है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का बेसिकली ये सिस्टम है जहां पर वेरियस जो मल्टीपल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगी क्योंकि जितना जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी एक टीम के पास उतना जल्दी जो है क्राइम को प्रिवेंट किया जा सकता है और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को भी ये एनकरेज करेगा एंड जो विक्टिम्स हैं उनको भी इजीली लोकेट और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ट्वेंटी एंड फाइनल क्वेश्चन गाइज इस लेक्चर का के ऊपर मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए प्रोग्राम को कौन रन कर रहा है दूसरा स्टेटमेंट मेजर लूप होल एस्पाइरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट को एज अ पैरिमीटर नहीं लेता रैंकिंग करने में तीसरा एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इसको 2022-23 के बजट में अनाउंस किया गया था और ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की एक सब स्कीम है देखो जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो गलत है क्योंकि एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बजट में अनाउंस किया गया था ये बिल्कुल सही है लेकिन ये एडीपी की सब स्कीम नहीं है ठीक है तो इसीलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो तो गलत हो गया ये गलत हुआ ये गलत हुआ ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो है वो गलत है ठीक है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट इसके अंदर पैरामीटर्स हैं तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है जो डिस्ट्रिक्ट्स थोड़ा कम अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे सोशल एरियाज में उन डिस्ट्रिक्ट्स की ये लिस्ट है एंड नीति आयोग बेसिकली इसको हैंडल करती है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो इसीलिए आपका स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट हो गया पैरामीटर्स में आप देखोगे तो पांच इसके पैरामीटर्स हैं उसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन एग्रीकल्चर एंड रिसोर्सेज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है हर का अलग वेटेज है सबसे ज्यादा वेटेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का तीस परसेंट फिर एजुकेशन का तीस परसेंट एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज का बीस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट का 10 और इंफ्रास्ट्रक्चर का 10 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम अगेन ये स्पेसिफिक ब्लॉक्स की डेवलपमेंट की बात करता है ठीक है इसको भी बजट में अनाउंस किया गया था बट ये एडीपी का सब स्कीम नहीं है सो दीस वर द क्विक 20 क्वेश्चंस गाइस आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड अगर एंजॉय किया हो तो चैनल को शेयर जरूर करना और बहुत सारे बच्चे ना मैं देख रहा हूं कि uh, आ रहे हैं वीडियोस तो देख रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल आई वांट एवरी वन ऑफ यू हु इज कमिंग एंड वाचिंग द वीडियोस टू सब्सक्राइब द चैनल आई वांट दिस चैनल टू रीच द मासेस एंड जब तक सब्सक्राइबरशिप नहीं बढ़ेगी देखो मैं तो खुला बोल रहा हूँ मैं कोई छुपा करके नहीं बोलता जब तक सब्सक्राइबरशिप नहीं बढ़ेगी तब तक अल्टीमेटली ये मासेस तक नहीं पहुंचेगा तो मासेस तक पहुंचाने में आपने मेरी हेल्प करनी है ओके सी यू एंड टेक केयर